राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सवाईमाधोपुर से विधानसभा सीट से भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रही आसमणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा ने आसमणा की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा प्रदेश की अनुशासन समिति का अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने नोटिस जारी कर यह सूचना सार्वजनिक की है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार सवाईमाधोपुर के घोषित उम्मीदवार करुणलाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के चलते उन्हें अनुशासन भंग करने का दोषी माना। आज भारतीय जनता पार्टी के 101 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तो हमारे पास अभी मौजूद है और 300 से 400 कार्यकर्ताओं के फोन आ गए हैं। वो अभी दीपावली का त्यौहार है इसलिए बाहर सीजन में चले गए हैं। उनका फोन आ गया है कि हम भी इस्तीफा देंगे और शाम को सीमेंट फैक्ट्री में भी सभी मजदूर वर्ग और कर्मचारी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सभी इस्तीफा देने के लिए अभी शाम को उन्होंने मीटिंग आयोजित की है। वो भी इस्तीफा देंगे करीबन 150 से 200 की संख्या में और टोटल ये संख्या कम से कम 1000 के पार होगी। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आज आपको इस्तीफा देना पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई है और जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रति यहाँ व्यापारियों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में जो निराशा है वो उनके पिछले कार्यकाल को लेकर के काफी निराशा है, उनके कार्यकर्ताओं से नाराज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है और सभी युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने मिलकर के इस्तीफा देने की घोषणा की है। सभी हमारे जितने भी प्रकोष्ठ है उन सभी ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह इस्तीफे का दौर लगातार आप डेली सुनते रहेंगे। सवाईमाधोपुर से भाजपा के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, कांग्रेस के दानिश अब्रार और निर्दलीय आसमणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा के वोट बैंक में आसमणा ने सेंध लगा दिए और सब कुछ ठीक रहा तो किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ हालात खराब हो सकते हैं। हालांकि किरोड़ी बीजेपी के बड़े नेता है और पिछली बार आसमणा को कांग्रेस के दानिश अब्रार ने हराया था। आसमणा को बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया और आसमणा ने निर्दलीय ताल ठोक दी। राजस्थान अनुशासन समिति का अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार आसमणा और छोटूराम सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बागियों का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी के बागी सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेताओं ने अपने नामांकन पत्र वापस तो ले लिए लेकिन इसके बावजूद एक दर्जन से ज़्यादा बागी मैदान में जुटे हुए हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रवान सिंह आक्या, भवन सिंह राजावत और आसमणा समेत अन्य नेता मैदान में जो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं।